रीवा जिले में यातायात थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक रमेश सिंह को टेकरा तिराहे में स्विफ्ट कार चालक ने टक्कर मार दी, जिससे उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। घटना के बाद आरोपी कार चालक गाड़ी सहित फरार हो गया। प्रधान आरक्षक रमेश सिंह निवासी कैलाशपुरी, जो गंभीर रूप से घायल हो गए, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस कार सहित कार सवार की तलाश कर रही है। रेड कलर की कार थी, उसको ब्लैक फिल्म होने की वजह से रोकने का प्रयास किया तो वो बिना रुके रेस्ट ड्राइव करता हुआ भागा तो सेट पर पॉइंट चला दिया गया नाकेबंदी करने के लिए। ढेका तिराहे पर रमेश सिंह की ड्यूटी थी, उनके संग एएसआई भी थे। उन्हें जब पॉइंट मिला तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया। रोकने के प्रयास में उसने, चूँकि रेस्ट ड्राइव कर रहा था वो, तो ना रुकते हुए उसने ठोकर मार दी। ठोकर मार के गाड़ी लेके भागा। उसका पीछा भी करने का प्रयास किया गया लेकिन गाड़ी पकड़ में नहीं आई, इंटरसेप्ट हो नहीं पाई गाड़ी। प्रयास कर रहे हैं अभी भी ढूंढने का, उसे सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं।